कल्याण का आधारवाड़ी जेल हुआ डिजिटल, सीसीटीवी, फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक बैरक में होगा कैमरा, कैदियों पर होगी कड़ी नजर। कैदियों का घरवालों से बात करना हुआ आसान। कैदियों की मानसिक स्थिति और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कल्याण के आधारवाड़ी जेल में सीसीटीवी कैमरा, फोन बॉक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई लाइब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब कैदी अपने परिवार वालों से आसानी से वार्तालाप कर सकते हैं। मंगलवार को इन सुविधाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र कारागृह के अपर पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, उप महानिरीक्षक योगेश देसाई के शुभ कर कमलों से किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक राजा राम भोसले, उपाधीक्षक मिलिंद काले उपस्थित थे। बताया गया है कि जेल के प्रत्येक बैरक में सीसीटीवी होगा। लगभग 275 कैमरे संपूर्ण जेल में लगाए गए हैं, जिसके जरिए कैदियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं सीसीटीवी के अलावा कैदियों के लिए फोन बॉक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। फोन बॉक्स के जरिए कैदी हफ्ते में 3 बार अपने घर वालों से फोन पर बात कर सकेंगे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से महीने में 1 दफा घर वालों से और 1 दफा वकील के साथ लाइव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उद्घाटन के बाद अपर पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता ने कहा कि कैदियों की मानसिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए जेल में फोन कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कैदियों के मानवाधिकार के नजरिए से भी ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि हफ्ते और महीने में अपने घर वालों से बात करने से कैदियों की आक्रामक प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए जितेश चौहान की खास रिपोर्ट। और थाने में हम लोगों ने कई सुविधाएं जो शुरू किए, एक तो सिम कार्ड बेसिस पर फोन, फिर ई मुलाकात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, इसके अलावा सीसीटीवी और भी कई चीजें हम लोगों ने शुरू किए। इसके कारण 2 चीजों पर हमारा महत्व है। एक तो जो सिक्योरिटी है वो टाइटन होगा सीसीटीवी और बाकी चीज, और दूसरा एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, मेंटल स्टेबिलिटी होता है। तो जो फैसिलिटी दी जा रही है उससे मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो लोगों में झगड़ा करने की टेंडेंसी या लड़ाई करने की या फिर वायलेंट होने की टेंडेंसी कम होगी, तो हमारा भी काम होगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कई फैसिलिटी आज शुरू की। नहीं, कॉइन बॉक्स नहीं, ये सिम कार्ड बेसिस पर है और आपने देखा होगा सिम कार्ड के पर है, और उसमें एक वीक में 3 बार फोन की सुविधा दी जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिलहाल महीने में 1 बार फैमिली और 1 बार वकील के साथ दिया गया है। जैसे जैसे हमारी फैसिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके नंबर ऑफ टाइम्स हम बढ़ाते हैं। सर, राज्य में कितने ठिकानों पर किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सारे राज्य में ऑलमोस्ट सब जगह हो गया। जो ये एलएम की जो सिम कार्ड बेसिस पर जो फोन की सुविधा है वो करीब सभी सेंट्रल जेल में होते आया है, बाकी सब जेल में रोल आउट हो रहा है। सर, कैदियों की क्षमता बढ़ रही है, इसके बारे में एक ही उपाय है कि मतलब नए प्रिजन्स बनाने। तो हमारा पालघर है येवाड़ा में, उसके बारे में काम शुरू है। पालघर में तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। बहुत से कैदी पढ़ना चाहते हैं और आगे चल के काफी हमारा एक नासिक के मुक्त विद्यापीठ के साथ टाई अप है और उनके कोर्सेज करते हैं, और जो कोर्सेज करते हैं उनको हम 90 दिन तक रेमिशन भी देते हैं, एक अलग मोटिवेशन होता है। और कई कैदियों ने 2 साल करीब 150 लोगों ने इसका फायदा उठाया, तो ये लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड होता है। कई बार हम अपने एनजीओ के साथ, जैसे समता फाउंडेशन के साथ कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं नासिक में, तो नासिक में तो उनको IIT बॉम्बे की डिग्री दी जाती है, तो चीजें बाद में चलते उनके काम आती है।